काशिफ खान एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे आप सबको वेलकम करती हैं। तीसरा रोजा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तीसरे रोजे की इफ्तारी में आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, वैसे मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। खैर, जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, तो फुल वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए किचन में चलते हैं। वैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इतने टाइम बाद आप लोगों ने इतना सारा प्यार बरसाया है तो दिल तो खुश होगा ही ना। बस इसी तरह इसी स्पीड से बहुत सारा प्यार बरसाते रहिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि आप लोग के लिए मजे मजे की वीडियो लेकर आती रहूं। चलिए आप किचन में चलते हैं। अरे रबीका आ भी जाओ जल्दी से। मामा मैं तो यहीं खड़ी हुई थी। अच्छा रबीका आप आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको तीसरा रोजा बहुत बहुत मुबारक हो और रमजान भी बहुत ज्यादा मुबारक हो। मामा देखते देखते तीन रोजे हो गए, आई कांट बिलीव इट। देखते देखते ईद भी आ जाएगी। हाँ बहुत जल्दी रमजान गुजरते हैं और ये तो इबादतों का महीना है। एग्जैक्टली तो आप इबादत करके ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। अल्लाह का कलाम ज्यादा से ज्यादा पढ़े तो उसमें टाइम इतनी जल्दी गुजरता है और इतना दिल को सुकून मिलता है कि आप बहुत अच्छे लगते हैं। रमजान मेरा बस चले तो मैं कहती हूँ पूरे साल रमजान हो और बहुत ही मजा है। पर खैर ये एक महीना है जो इबादतों का है, बहुत सारी दुआएं सबके लिए करनी चाहिए। गुनाहों की सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए। हमें नहीं पता हम कदम कदम पे गुनाह कर रहे होते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन हमें हर वक्त गुनाहों की अपनी माफी मांगती रहनी चाहिए और जितना अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में नवाजा है उसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए। एक शुक्र अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, गुनाहों की माफी मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जितना कुछ नवाजा है शायद उतना थैंक यू मैं ना कर पाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। वैसे इफ्तारी में आज क्या बनने वाला है ये तो मुझे नहीं पता था, ना मम्मा ने डिसाइड किया, लेकिन मम्मा ने अकेले डिसाइड कर लिया, मुझसे शेयर नहीं किया। तो आप जरा बता। हाँ, इसलिए कि रबीका कटलेट्स बहुत अच्छे बनाती हैं तो आज मैंने वो सब चीजें अरेंज करके रखी हुई है कि रबीका से मेहनत करवानी है और कटलेट्स बनवाने हैं और आप सब भी देखिएगा कि रबीका कैसे बनाती है। मुझे कटलेट्स अपने हाथ के बहुत ज्यादा पसंद है और मैं बना लूंगी। अब क्या करें, मेहनत है तो क्या करें, कर लेंगे। खैर यहाँ पे पोटैटोज जो है हमारे बॉईल करके पहले से रखे हुए हैं, चिकन भी बॉईल हुई भी है, तो अब मैं पोटैटोज को बॉल में डालूंगी ताकि हम इसको मैश कर सकें। और मैं जो हूँ आपके लिए फ्रूट चाट बनाने वाली हूँ और किस तरह ये आप सब देखेंगे। अभी आलू को मैं इसकी मदद से मैश करूंगी जैसे आलू भरी रोटी में किया था। आजकल लड़कियों के लिए इतनी आसान आसान चीजें आ गई है और हम तो पता है हाथ से करते थे ये सारे काम। हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन ये ज्यादा बेटर लगता है। और मैं तो अभी तक कोई चीज यूज नहीं करती, मुझे बस एक आदत सी है कि मैं लाजमी अपने हाथों का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। आजकल इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि बंदे को मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, बस चुटकी बजाओ सब तैयार हो जाता है। जैसे रोटी पकाने वाली मशीन याद है, बिल्कुल बीच में कितना ट्रेंड चला था उसका, झटपट रोटी तैयार। अभी भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं वो मशीन। मुझे लगता है मेरे फ्यूचर में वो इस्तेमाल होगी। रबीका आप बेफिक्र हो, आपका ससुराल में ना कोई मशीन दे देंगे ताकि रोटी पकाना आसान हो। मगर क्या जरूरत है, छोड़ो तुम बाजार से मंगवाना। अम्मा हर वक्त बाजार की अच्छी नहीं होती ना। कोई बात नहीं, वो रबीका खान तो मंगा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड टू बी को घर की रोटियां पसंद हुई तो आप उनसे बोलिएगा भाई मुझे किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर नई वाली वीडियोस देख ली तो वो तो बस सही सी बात है, वो तो मुझे शौक करने के लिए तो करना ही पड़ता है ना। अच्छा ऐसी बातें सुन के ना मेरे जो फैंस है ना उनके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं, तो ऐसी बातें कम किया करें। अच्छा आप लोग खुश हो रहे हैं मेरी ये बातें सुन के। हाँ, लोगों को मजा आता है, मेरी शादी का बहुत इंतजार है लोगों को। भाई जब रबी का ये शादी होगी तो आप सबको पहले से पता चल ही जाएगा। और जाहिर सी बात है जब एक कहते हैं ना सहरे के फूल खिलने वाले होते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद हो जाता है, अजबाब बन जाता है और हो जाती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी और आप सबकी सपोर्ट लाजमी है। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा क्योंकि दुआएं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। भाई फ्रूट चाट में मैंने तो बनाना चीकू एप्पल ये सब काट रही हूँ और बहुत यमी चाट बनने वाली है आज। ओके मैश हो चुके हैं मेरे सारे आलू, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। मसाले लेके आती हूँ फिर मैं ऐड करते हुए आप लोगों को बताऊं। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले निकाल के रख लिए हैं। सबसे पहले आई एम एडिंग कुटी हुई मिर्चे। वैसे इतना खाना पकाया है कि अब तो अंदाजा हो ही गया मिर्चों का, नमक का, हर चीज का।
ऑरिगेनो है मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। काली मिर्चे, ये जितनी भी मेहनत हो रही है वो आप सबके लिए हो रही है, ताकि मेरी ऑडियंस को मैं नजर आती रहूं। हम मुझसे कुछ ना कुछ सीखते रहें, दैट्स ऑल। मामा की स्पेशल इमली की चटनी, वैसे मैं हर चीज में इमली की चटनी ऐड करती हूँ। आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि हमें तो रेसिपी बताई नहीं, हम फिर कैसे बनाएंगे आपकी तरह कटलेट घर में, तो मैं आप लोगों को कोशिश करके सहरी की वीडियो में इसकी रेसिपी बता दूंगी इमली की चटनी की। फिर आप लोग इजीली ऐड कर सकते हो। हरी मिर्चे मैं सीजर की मदद से कट कर रही हूँ, ताकि मेरे हाथों में मिर्चे ना लगे। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है और काली मिर्चे भी डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। इसमें लेमन जूस भी थोड़ा सा ऐड करूंगी, बहुत मजेदार बनती है। जरा सा आप डालिएगा लेमन जूस और फिर इसको मिक्स कीजिएगा, तो ये बहुत मजेदार एक फ्रूट चाट बन जाती है। लेमन जूस थोड़ा सा मैं भी इसमें ऐड कर रही हूँ। रबीका तो हर चीज में लेमन जूस जरूर डलता है, रबीका तो वो उसका एक अलग सा टेस्ट आता है, तो वो खैर अच्छा लगता है खाने में। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मिकदार में। ये देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो देखें आप देख सकते हैं काली मिर्चों वाली जो चाट बनती है ना, उसका एक अलग सा ही जायका होता है, पता है। अब मैं इन सारे मसालों को मिक्स करूंगी। चाट बन गई, चाट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ठंडी ठंडी हो जाए। मम्मा को ठंडी ठंडी चीजें बहुत पसंद। भाई चाट तो मैं कहती हूँ लाजमी आप पहले से बना के रखें और उसको फ्रिज में रखें लाजमी, ताकि वो ठंडी बहुत जबरदस्ती हो जाए, तो वो खाने में भी मजा आता है ना। फिर देखिए आप कितनी मेहनत लग रही है इसको मैश करने में। मैं अभी कटलेट्स में सारा सामान डाली, तो मैं बोली यार मैं कुछ भूल रही हूँ, तो फिर मुझे याद आया कि मैं इसमें क्रीमी मेयो भी ऐड करूँ। यहाँ मैं चिकन के रेशे करके दे रही हूँ रबीका को, ताकि जल्दी से कटलेट्स बन जाए हमारे। ऐसे मम्मा हमने कटलेट्स बता दिया, हमने ये नहीं बताया कि हम पकौड़े भी बनाने वाले। हाँ मैं पालक के, आलू के और बंद गोभी के ढूंढ से गरम कर ला, बंद गोभी के पकौड़े, बंद गोभी के पकौड़े मिक्स वाले, हरी मिर्चे डाल के, प्याज डाल के, वो बहुत यमी यमी बनेंगे। तो आप वो देखिएगा कि मैं किस तरह बनाती हूँ। धनिया और प्याज मैंने ऐड कर दिए। मम्मा पहले मुझे ऐसा लगता था कि इफ्तारी बनाना बहुत मुश्किल है, बचपन में जब मैं थी छोटी सी, तो यार इतना मुश्किल वाला काम है, मुझे तो यहाँ नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है। लेकिन जब इंसान यूज्ड टू हो जाता है ना, तो उसे सब आ जाता है, तो इट्स ओके, मतलब हो जाता है काम। थोड़ी चिकन मैं ऐड कर रही हूँ, बॉयल्ड चिकन ज्यादा अच्छी लगती है। और आप एक और चीज डालोगी ना? हाँ, चीज तो मस्ट है ना, एवरीबॉडी नोस हमारे घर में चीज मस्ट है, चीज खा के तो। या हमारा छोटा भैया हमारा, एवरीबॉडी लव चीज। चीज भी मम्मा ने कट कर दी है, चीज भी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ताकि वो चीजी बने। अंदर मिक्स करने से ज्यादा अच्छे चीज बॉल बनते हैं। बाज लोग जो है अंदर, जैसे जब राउंड बनाते हैं उसके अंदर लगाते हैं, तो उसमें फटने का डर होता है कि चीज बॉल फट जाते हैं, मतलब मोस्टली फट जाते हैं, तो इसलिए हम इसको अंदर ही डालेंगे और अब मिक्स कर देंगे। चीज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, अब मैं इसको मिक्स करूंगी। अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं बड़ी मेहनत लगी है इसके अंदर मिक्स करने में। मामा ने मुझे बोला भी कि रबीका मुझे दे दो, मैं हाथ से कर देती हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं इसी से ही करूंगी, और आज इसने मेरे हाथों में दर्द कर दिया है। खैर यहाँ पे आप लोगों को ब्रेड क्रम्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे अंडे नजर आ रहे होंगे, तो मैं इसको मैं अंडे को फेंट के रखूंगी, एक बॉल में ब्रेड क्रम्स को रखूंगी। जो जो प्रोसेस मैं करती रहूंगी वो आप लोगों को नजर आता रहेगा। ये मैं सब जो कट कर रही हूँ, मैंने ये पालक आप देख सकते हैं, ये मैंने पत्ते निकाले पालक के, ये मैं बनाऊंगी पकौड़े बेसन में डिप करके। और करम कल्ला काट रही हूँ मैं, बंद गोभी सॉरी। और मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चे लिए हैं और प्याज लिए, उसको बारीक बारीक काट लिया है। और आलू लिए हैं 2 अदद, इसकी मैं बारीक बारीक, बिल्कुल जैसे आलू के पकोड़े बनते हैं ना, बिल्कुल बारीक बारीक काटूंगी इसको, इसके पकोड़े बनाऊंगी। आपको मैं बता दूं कि ये बेसन मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ है, मैंने इसके अंदर बेसन लिया था, थोड़ा सा खाने का सोडा डाला था, कुटी हुई मिर्चें डाली थी, साबुत धनिया थोड़ा सा तवे पे भून के, उसको मैंने इसके अंदर साबुत धनिया डाला था कूट के और भून के डाला था, थोड़ा सा जीरा डाला था, नमक डाला था, और उसको अच्छी तरह मैंने बीट करके इसको मैंने इस तरह की शक्ल दे दी थी। अब आप देख सकते हैं किस तरह बन गया है। और ये सब मैं कट कर रही हूँ, और जब मैं ये चीजें पकौड़े बनाने खड़ी होंगी तो ये सब चीजें मैं ऐड करती रहूंगी और तलती रहूंगी, ये आपको नजर आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने हर चीज सेटल कर ली है। ये हमारे आलू का पेस्ट, अंडे मैंने फेंट दिए हैं, एक बॉल में मैंने पानी रखा है,
एक में ब्रेड क्रम्स है, एक में मैदा है। यहाँ पे कुछ ब्रेड मैंने काट के रखी हुई है साइड्स काट के, और ये आप लोग को नजर आ रहा होगा मैंने चीज क्यों बचाई थी, इसकी वजह क्या थी मैं भी आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पे जो मैंने चीज बचा के रखी हुई थी इसमें मैं ऐड करूंगी पैपरिका, थोड़ा सा नमक, काली मिर्चे। यहाँ पे मैंने हेलोपिनोस काट के रखी हुई बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब में, ये मैं ऐड करूंगी अपनी चीज में, ऑरिगेनो ऐड करूंगी। बस इसको मैंने सारे इंग्रेडिएंट डाल के मिक्स कर लिया है, मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाऊंगी, थोड़ा सा पानी लूंगी ताकि ये सेटल हो जाए। अब मैं इसको मैदे में डालूंगी, अब अंडे में, अब ये जाएगा ब्रेड क्रम्स में। एंड इट्स डन गाइस, ऐसे ऐसे करके इसकी बहुत सारी बॉल्स बनानी है, और इसी सेम मेथड को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। सो गाइस, ये चीज वाले से तैयार है, चीज बॉल्स हमारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी। अब ये पोटैटोस की बारी है, अब हम इसको बनाएंगे, अब हमारी पोटैटो कटलेट्स की बारी है, अब हम इसको बनाएंगे। इसमें भी मैं एक ब्रेड वाला बनाऊंगी और एक सिंपल वाला बनाऊंगी। तो पहले मैं आप लोगों को ब्रेड वाला बना के दिखा देती हूँ वो कैसे बनता है। ये मेरे पास है स्लाइस, पानी से मैं इसको थोड़ा सा नरम करूंगी साइड्स इसकी, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, मैं आलू के पकोड़े बनाने जा रही हूँ, ये मैंने इसके अंदर डिप किया, आलू को बारीक बारीक काट लिया था, जैसे कटिया नहीं बनती है आलू की, इस तरह काट के। पालक के पकोड़े कितने यम्मी हो रहे हैं, क्रिस्पी। ये वाले जो हैं ये मिक्स हैं, इसमें पालक कटा हुआ है, बारीक बारीक आलू हैं, प्याज है और हरी मिर्चें हैं, तो ये वाले भी बहुत यम्मी बनते हैं। ये जो पोटैटो का पेस्ट है वो मैं इसके अंदर फोल्ड कर दूंगी, जस्ट लाइक दिस। सच बताओ तो ऑनेस्टली मुझे ब्रेड वाले ज्यादा पसंद है, मुझे ब्रेड वाले बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें भाई, वाओ, सो नाइस। ये मेरे पकोड़े तैयार, आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े और मिक्स पकोड़े, राइट। पालक के मिक्स हैं और ना बंद गोभी के भी। अच्छा अच्छा, मतलब पालक के अलग है, बंद गोभी के अलग है। हाँ, ये दोनों अलग अलग है। अब इस पे थोड़ा सा आप चाट मसाला ऊपर से छिड़क दें तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। मम्मा चाट मसाला ज्यादा डालेगा, आप भूल गई, महीर और रुजैम नहीं खाते। हाँ, बस वो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग डाल सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं पसंद करते तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही कम डालूंगी, बस ऐसे दिखाने के लिए। ये देखिए आप किस तरह बन गए हैं। अब रबीका आप कहाँ तक पहुँची? मैंने ये मोज़रेला बॉल्स बना ली है, अब मैं पोटैटो बॉल्स की तरफ पहुँची हूँ, मतलब मैंने कदम रखा ही है बस। सबसे पहले मैंने इसको मैदे में डाला है, अब मैं इसको अंडे में डालूंगी, मतलब सेम प्रोसेस जैसे मोज़रेला वाले में किया था वैसे ही होगा इसमें भी, बस फर्क इतना है वो चीज वाले हैं और ये पोटैटो कटलेट्स हैं। ये ब्रेड वाला हमारा बिल्कुल तैयार है, अब मैं आप लोग को सिंपल वाला बना के दिखा देती हूँ। अच्छा मम्मा, सोचिए सिंपल वाले का ना शेप चेंज कर दूं, थोड़ा सा इस तरह का बनाती हूँ। वो तो आप जिस तरह का भी देना चाहें exactly. वो दे सकते हैं आप, दिल वाले भी बना सकते हैं, डोनट वाले भी बना सकते हैं। पर दिल वाले में तो बहुत मेहनत होती है। हाँ, ये तो है। इसलिए सीधे सीधे जो जल्दी आसानी से बना के दिखाएंगे। हाँ, वो जरूर बना के दिखा देंगे आपको, ताकि अगर आपका दिल चाहे तो आप बना लें। अच्छा, पोटैटो कटलेट जब भी बनाए ना तो उसको बहुत टाइट हाथों से बनाएगा, ताकि ये टूटे नहीं फ्राई होने में। समटाइम्स हम इतनी मेहनत करते हैं फ्राई होने में टूट जाते हैं, तो वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है। ये हमारा प्लेन पोटैटो कटलेट्स तैयार है, एक ब्रेड वाला है और एक प्लेन वाला है, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये पोटैटो कटलेट्स डाला, अब ये ब्रेड वाला है डालूंगी, पहले ये हो जाए फिर उसके बाद बाकी। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कहीं से भी ये फटे नहीं है। अब मैंने जो छोटी वाली मोज़रेला की बनाई थी वो मैं फ्राई कर रही हूँ। एक आपको नजर आ रहा होगा मैदे में, ये खुरैम साहब ने मुझे कहा कि एक मैदे वाला बनाओ, पता नहीं क्या सोच के थे, मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या हैं। सच बताऊं तो भैया तुम्हारा वाला अलग ही नजर आ रहा है।
इसी को खिलाऊंगी मैं। तकरीबन सब फ्राई हो चुका है। मैं सच बताऊं तो मुझे इसी कलर में फ्राइड चीजें अच्छी लगती हैं, जो लाइट से ब्राउन कलर में होती है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे। समटाइम्स कुछ डार्क हो जाती, कुछ लाइट हो जाती, तो वो मजा नहीं देती। हल्की आंच पे आप इसको फ्राई करें ताकि कलर भी सेट रहे और अंदर का सामान भी। सो गाइस, फाइनली सारी इफ्तारी जो है वो तैयार है और बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि इफ्तारी का वक्त नजदीक आ गया है। कुछ ही मिनट में इफ्तारी होने वाली है, बट मैं आप लोगों को बताती चलूं, आज हमने फ्रूट चाट बनाई है, पोटैटो कटलेट्स बनाए हैं, मोज़रेला चीज बॉल्स बनाए हैं, रोल, समोसे, पकोड़े। पकोड़ों में भी इतनी सारी इकसामें हैं, मतलब वाओ। आज इफ्तारी का तो मजा ही अलग है, क्योंकि पर्सनली मुझे पोटैटो कटलेट्स बहुत पसंद है। खैर, उम्मीद है आप लोग को ये देखने में बहुत ज्यादा पसंद आई होगी वीडियो, तो जल्दी जाके लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा प्यार बरसाना मत भूलिएगा। मुझे लगता है मम्मा जब भी मैं एंडिंग कर रही होती, मम्मा इसी चीज का इंतजार करती है कि अभी रबीका खत्म करे तो मैं ये बोलूंगी। बिल्कुल। खैर, अब मम्मा ने बोले तो प्यार तो बरसाना है ना, तो मिलने आऊंगी आज रात सैरी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।